साथियों, अभी एसएससी जीडी का रिव्यू चल रहा है। आप लोग देख लें कितना क्वेश्चन बच्चे बनाए हैं, किस तरीका से क्वेश्चन आ रहा है, कैसे हल कर रहे हैं, कैसा मैथ रीजनिंग और साइंस रह रहा है, हिंदी इंग्लिश सब सभी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगा। इसलिए वीडियो को अंत तक आप दे दिए हैं। कितना क्वेश्चन बनाए? 16 के करीब। कौन सा कोई क्वेश्चन आपको याद है? ये तो थोड़ा मास्क हटाई ना। हाँ बोलिए। अरविंद केजरीवाल जो 2022 के नवंबर में जो है ना वाला था, और बहुत सारा जनरल अवेयरनेस मैथ में कोई प्रश्न परसेंटेज से प्रॉफिट लॉस से किससे था? हाँ था, प्रॉफिट लॉस से था। प्रॉफिट लॉस से था। आप कितना बनाए बाबू? नहीं दिए हैं। और आप कितना अटेम्प्ट किए हैं बाबू? 63। कोई प्रश्न जो याद हो, कौन सा सेक्शन आपको सबसे फास्ट लगा? साइंस मैथ रीजनिंग जीएस रीजनिंग थोड़ा सा टाइम टेकन था। ये पजल भी आया था क्या? पजल नहीं था। हाँ, मिरर था। और नंबर सीरीज क्या कैसा था? नंबर सीटिंग अरेंजमेंट था। हाँ, किस टाइप से क्वेश्चन था? दो दो क्वेश्चन था। कितना अटेम्प्ट किया आप? 63 किए। आपका भी था? नहीं। और कोई क्वेश्चन जो आपको याद हो करेंट वाला? केजरीवाल से आया था। और कोई दिल्ली के केवल मुख्यमंत्री पूछा था? और कोई करेंट? 2019 का करेंट था। 2019 का भी करेंट था। एक ही पूछा था। साइंस में कोई क्वेश्चन जो आपको याद? केंद्रक के बारे में पूछा था। केंद्रक के बारे में पूछा था। और कोई क्वेश्चन? और क्वेश्चन हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी ज्योग्राफी में था। संविधान से क्वेश्चन? संविधान क्या था आ रहा था, जैसे यूएसए से क्या लिया गया, मतलब संविधान के स्रोत पूछा जा रहा था। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ? स्वतंत्रता का अधिकार पूछा गया था। आप भी दिए थे दीदी का एग्जाम? आप दे कर आए हैं? कितना बनाए हैं? कितना हल किया है? आप दिए हैं? कितना कैसा गया? बढ़िया गया, पर मतलब हार्ड भी था। हाँ। किधर कौन सा सेक्शन आपको हार्ड लगा? मैथ रीजनिंग जीएस साइंस किस में? मतलब हिंदी इंग्लिश कौन? मैथ तो उतना किए नहीं। मैथ नहीं किए? मतलब किए, आधा किए। हमसे पूछे ना जी। हाँ, कितना बनाया बोलिए? हम 72 अटेम्प्ट किए। 72 अटेम्प्ट किए। हाँ। कौन सा सेक्शन आपको ज्यादा दिक्कत किया? नहीं, सब इजी ही था। कोई क्वेश्चन जो आपको याद हो? सोनल मानसी कौन से थे, फिर कमल का परिवार जी है। मैथ जो था प्रॉफिट लॉस से बहुत आसान क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस से। और SICI से भी था। हाँ, इंस्टॉलमेंट वाला SICI से आया था। हाँ। और जो रीजनिंग है ना, वो नंबर सीरीज था और दो सीटिंग अरेंजमेंट था। जो आप इसके बाद एग्जाम देने वाले हैं या कल आएंगे या इस समय के बाद, वो क्या देख लें तो उनको अच्छा हो जाएगा? विविध रूप थोड़ा सा देख ले, जो मिसलेनियस है, लुसेंट का विविध पूछ रहा है। हाँ, विविध 3-4 क्वेश्चन आता है। हाँ, वो देख ले। देख ले। और कोई? मैथ आसान आ रहा है। रीजनिंग कैसा आ रहा है? रीजनिंग भी आसान ही है। हाँ। जो तैयारी किया है उसके लिए 70 अटेम्प्ट कर सकता है। जो तैयारी किया है वो 70 कर सकता है। हाँ। तो मतलब क्या कहिएगा जो बच्चे आ रहे हैं उनको, जो टेंशन में है? बेस्ट ऑफ लक। अच्छा से एग्जाम दीजिए। आप भी एग्जाम दिए हैं? कैसा गया इसका एग्जाम? कैसा गया एग्जाम? तो कितना बनाया भाई? 65 क्वेश्चन बनाए। कोई क्वेश्चन जो आपको याद हो? हरित क्रांति किस देश में शुरुआत हुई? सी किस देश में। और कोई क्वेश्चन? केंद्रक में कौन कौन मौजूद रहता है? हाँ। और हिंदी का कोई प्रश्न जो आपको याद हो? प्रवाची सबसे था। कमल का प्रवाची शब्द। प्रवाची सबसे था। कमल का पूछा। अनेक शब्दों का एक शब्द भी था। महाभारत दो था। महाभारत दो था। अब दो है। कितना बनाए भाई? ज्यादा नहीं, 65। एग्जाम टूर 65। कोई क्वेश्चन जो आपको याद हो? था कि कौन सा रीजनिंग में किस टाइप से पूछा जा रहा है? रीजनिंग था ठीक था, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट का दो क्वेश्चन टफ था। तो मतलब जो नॉर्थ था तो दोनों तरफ का दिया हुआ था, उसमें पूछा था। और कोई मैथ का लेवल ठीक है? और मैथ में प्रॉफिट लॉस से भी था? प्रॉफिट नंबर सीरीज से भी था। बाकी नंबर नहीं, प्रॉफिट लॉस नहीं बोल सकता है बेसिकली। परसेंटेज से? हाँ, परसेंटेज से। SICI से? परसेंटेज। हाँ, डिस्काउंट का क्वेश्चन था बहुत सारा। बस और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन तो बहुत टफ था उसमें। नीत वगैरह से बीबी से प्रश्न पूछ रहा है? नहीं, बीबी से एक भी प्रश्न नहीं था। जीके जी उसमें बीबी से नहीं था? नहीं। हिस्ट्री से? CBSE का कौन चेयरपर्सन को पूछा था? क्या CBSE का चेयरपर्सन कौन है? चेयरपर्सन का। कितना बनाया आप? 72। कोई क्वेश्चन जो आपको याद हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। बहुत अच्छा था। सोनल मानसिंह था, CISI ज्यादा आ रहा। प्रॉफिट लॉस से भी था? प्रॉफिट लॉस से भी 3-4 क्वेश्चन। परसेंटेज से भी था? परसेंटेज से नहीं था। नहीं था आज? नहीं था ना था आज? नहीं था। विविध में एसएटी जीएस से? जीएस करंट क्या था? करंट से करंट एक दो का था, 2019 का था। 19 का भी था? 2019 का था। और केवल दो ही प्रश्न 19 का था, बाकी सब मतलब 22 और था क्या? 20 को तो क्वेश्चन ही था। हाँ, 20 को क्वेश्चन ही था। चलिए देख सकते हैं। और बच्चे से बात आप भी दिए हैं? और कितना कैसा गया बाबू?
कितना बना है? 40। कोई क्वेश्चन, किस सेक्शन में आपको समस्या हुआ कि इतना ही अटेम्प्ट किया? मैथ नहीं बना आपसे। और रीजनिंग बनाए? कितना रीजनिंग में बनाए? 15 बना दिए। और कोई क्वेश्चन जो आपको याद हो, किस टाइप से पूछ रहा है रीजनिंग बताइएगा? हाँ हाँ, आपका भी एग्जाम था? जाइए जाइए, बेस्ट ऑफ। आप भी दिए एग्जाम, कितना बनाए क्वेश्चन? 62। कोई क्वेश्चन जो आपको याद हो? कोई क्वेश्चन क्या याद हो? हाँ क्वेश्चन ठीक है, मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव है। मैथ कैलकुलेटिव है, रीजनिंग भी टाइम खींच लेता है। हाँ, आपका भी कैसा गया एग्जाम भाई? कैसा गया? बढ़िया। कितना बनाए भाई? बनाए 70 बनाए। पूरा मुस्कान दे रहे हैं, 70 बनाए हैं। कोई क्वेश्चन जो आपको ज्यादा समय लिया लेकिन नहीं बना बताइए तो? कोई ऐसा बोर्ड मास्क का है, बोर्ड मास्क का समय ले लिया लेकिन नहीं बना। मैथ में कितना किए? 20 में मैथ 15 किया। 15 किए, बहुत अच्छा किए। और रीजनिंग में? रीजनिंग 15। टोटल आप कितना स्कोर किए? 70। 70। एक बात बताइए, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको अभी याद हो साइंस वगैरह से या करंट से या मैथ्स में? कोई बिलियन से था? क्या क्या बिलियन से क्वेश्चन था? बिलियन से क्वेश्चन था, बिलियन से था। अब बायो से ज्यादा आ रहा है क्या? बायो से उतना कम आ रहा है। आप कितना अटेम्प्ट किए? नहीं किए। चलिए इसी तरीका से, कितना आइटम लिए? 68 बनाए। कोई क्वेश्चन जो आपको याद हो? कमल का परिवार सब। और कोई एक्स्ट्रा? ईडन गार्डन कहाँ है? आप लोग का भी एग्जाम था? दिल्ली के मुख्यमंत्री के बारे में। दिल्ली के मुख्यमंत्री। साइंस में कोई क्वेश्चन जो आपको याद हो? याद नहीं, याद नहीं है। अब मैथ कैसा रहा आपका? मैथ तो बहुत इजी था। मैथ और रीजनिंग ठीक ठाक था। किस सेक्शन में आपको समस्या हुआ? हाँ बोलिए, कौन सा सेक्शन में समस्या हुआ? समस्या नहीं था, लगभग बना दिया। बना दिया, पूरा मुस्कान दे रहे हैं। क्या कहिएगा जो बच्चे आ रहे हैं? बच्चे आ रहे हैं, चुपचाप एग्जाम दे। हाँ शांतित होगा। चलिए, आप देख रहे थे, ये बच्चे बता रहे थे कि किस तरीका से एग्जाम दे रहे हैं, किस तरीका से इन लोगों का कितना क्वेश्चन बना रहे हैं। आप भी देख सकते हैं कौन कौन क्वेश्चन आ रहा है। जय हिंद जय भारत। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो एग्जाम टूर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लोगों में शेयर करें।